आई वॉक अराउंड लाइक अ चाइल्ड हु नोज नथिंग. जब हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो प्रेशर होता है कि आपको अपनी लाइफ खुद बनानी है. तो मैं क्या सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए एक्टर बन रही हूँ? आज मेरी पोल खुल जाएगी. जो सीरियस जर्नलिस्ट हैं क्या वो ये समझ रहे हैं कि उनका कंपटीशन देखिए कहाँ हो रहा है? आशिक हूँ मैं तेरे नाम का, दीवाना हूँ मैं दीवाना नहीं. वेलकम ऑन इश्क एफएम, मैं हूँ आरजे कुणाल. एक क्विकली, कल मेरा शो लॉन्च हुआ. लवली, कांग्रेचुलेशंस बॉलीवुड. हमारे बीच इस वक्त 12th की टॉपर है. जी कौन है आप बताओ? राशि. सही है ना ये फैक्ट? आई वाज वेरी स्केयर्ड कि मैंने कहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो. नहीं नहीं ये सच है. है सच है. यू डिडंट नो आई एम एन ऑल इंडिया टॉपर. ऑल इंडिया टॉपर. मैंने हाल ही में रिसर्च किया था. आपने मुझे बोल चुकी है ये. मैं भूल गया था. याद रख के क्या करेंगे. बट द सवाल मेरा ये है आपसे, बीइंग अ टॉपर, ऐसे कौन से ट्रेट है जो आज आपको बहुत मदद कर रहे हैं, जो आपको स्टैंड आउट करा देते हैं बाकी एक्टर्स से? देखिए मैं बहुत डिलिजेंट और जैसे वो लर्निंग एबिलिटी होती है ना, वो मैंने आज तक छोड़ी नहीं है. Absolutely. I walk around like a child who knows nothing. तो जब आप ऐसे ओपन होते हैं ना तो आप बहुत चीजें अब्सॉर्ब करते हैं, बहुत चीजें सीखते हैं. अगर आप ऐसे चलेंगे कि मुझे तो सब आता है तो आप कभी कुछ सीखेंगे नहीं. तो आई थिंक वो मैंने बहुत बचपन में ही सीख लिया था कि मुझे कुछ नहीं आता. कि मुझे सीखना है और मुझे सीखते रहना है और वही चीज है जो मुझे आगे लेके जाएगी लाइफ में. तो वो और एक चीज थी डिसिप्लिन. मैं बहुत डिसिप्लिन थी क्योंकि मुझे जब हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो प्रेशर होता है कि आपको अपनी लाइफ खुद बनानी है. तो मैंने ये बहुत ज्यादा प्रेशर लिया था टू अ पॉइंट वेयर माय पेरेंट्स वुड बी लाइक, हम तुम्हें फोर्स तो नहीं कर रहे, यू नो, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली स्टडिंग, जस्ट गेट आउट ऑफ द हाउस, लाइक टू दैट एक्सटेंट. आई थिंक आई एम टू डिसिप्लिन फॉर माई ओन गुड, बट दैट ऑल्सो हैज हेल्प मी इन लाइफ. ओके, बट क्या आपको डायलॉग्स बहुत जल्दी याद हो जाते हैं? हाँ, हो जाते हैं. हो जाते हैं, ये एक फैक्टर है. जी, जी, बीइंग अ टॉपर. ओके ग्रेट. तो ये मेरा सवाल ठीक था. विक्रांत टू यू, लॉकडाउन किड्स आपको 12th फेल, मिर्जापुर, इन सारी चीजों से जानते होंगे. मैं आपको जानता हूँ जब धर्मवीर, बालिका वधू से मैं देख रहा हूँ. मेरी मॉम आपकी बहुत बड़ी फैन है. प्लीज माता जी को मेरा प्रणाम बोलिएगा. एंड बीइंग एक्टर, आपके सभी लाइक आज तो इतनी सारी फैन फॉलोइंग हो गई, आपके काम की इतनी सराहना हो रही है. एक चीज का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपकी, चॉइसेस ऑफ वर्क, चॉइसेस ऑफ स्क्रिप्ट. थैंक यू सर. कैसे चूज करते हो आप वो स्क्रिप्ट? क्या रहता है वो पहला थॉट कि मुझे क्लिक करेगी इंस्टिंक्ट? द फर्स्ट थॉट, इट हैज टू मेक मी फील समथिंग. ओके. Like if it's a comedy film, it has to make me laugh. Okay. And if it is a film that wants to inspire the world, it has to inspire me. So whatever emotion the script want or the, that story wants to evoke in the audiences, it has to evoke that in me first. Okay. So that. अगर वो हो गया फिर उसके बाद देखना कौन बना रहा है, कौन produce कर रहा है, director. सब कुछ बाकी सारी चीजें secondary है. Okay. Okay. Vidhi to you. आपकी मैंने जितना भी आपका मैंने काम देखा है, your characters were bold and like very bold characters. आपकी पर्सनालिटी भी बोल्ड है. डज दैट कम्स टू यू नेचुरली? लाइक अभी प्लेइंग अ जर्नलिस्ट इन साबरमती रिपोर्ट, तो आपको एक ईज था कि मैं ये कर लूंगी, लाइक दिस इज नॉट सो टफ फॉर मी? नहीं नहीं, एवरीथिंग आई डू इज टफ फॉर मी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल हूँ. आई एम नेवर सैटिस्फाइड विद एनीथिंग आई डू एवर. तो मैं बहुत ज्यादा यू नो क्रिटिकल हूँ अपने काम को लेके. बट येस, ये बहुत जल्दी ही मैंने सोच लिया था कि मैं आई विल डू वट एवर आई कैन एज अ वुमन, एज अ गर्ल, टू अपलिफ्ट अनदर वुमन. बहुत जल्दी टेलीविजन में तो वो आपको मिलता भी है, यू नो, आप लोगों को मिलते हैं, ऑडियंस को मिलते हैं. तो आई थिंक आई फेल्ट लाइक यू नो लोग आके आपको इतना प्यार देते हैं, यू नो, दे से वी लव यू. तो मैं क्या सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए एक्टर बन रही हूँ कि थैंक यू सबका प्यार लेने के लिए. एंड सो सेल्फिश कि ओनली दैट शुड बी माई एंड देन आई शुड. सो सम रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फेल्ट वेरी अर्ली ऑन. और बोल्ड कैरेक्टर से ज़्यादा मैं रिप्रेशन नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ. So I think उस reason की वजह से I choose these kind of characters. But कभी ऐसे होता है आपके साथ कि आप अपना ही अब काम देख रहे हो तो आपको आप तब भी self critical हो जाते हो कि ये scene मुझे कुछ और, मैं कुछ और कर सकती हूँ? मैं अपना काम नहीं देखती हूँ. I am happy when the director is happy and if the team is happy, बस. But फिर अगर film वगैरह नहीं देखते उसके बाद जब रिलीज होता है, मतलब मैं देखती हूँ, but I am very critical of myself. तो मैं अपना judgment, like ये film भी मैंने अभी तक नहीं देखी है. तो आई डोंट, मेरी वो चाह नहीं है कि मैं क्या हूँ. मे बी कभी होगा, मे बी आई डेवलप दैट ऑल्सो, बट अभी तक आई हैव नॉट बीन एबल टू यू नो सॉर्ट ऑफ सेव. एक ही शो है मेरा, बदतमीज दिल. क्योंकि वो पहली बार मैंने कोई लाइट हार्टेड कैरेक्टर प्ले किया था. आई प्लेड अ वेरी
फन लविंग गर्ल, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वो मैंने कुछ 7-8 बार देख चुका है. आई फील लाइक आई हैव गिवन माय सेल्फ माय ओन रोम कॉम. जब खासतौर पे फिल्मों के साथ ये होता है कि जब तक उसका लाइनअप होता है, जब तक एडिट होता है और डबिंग पे जब आती है, तो 6 महीने तो ऑन एन एवरेज बीत चुके होते हैं. तो वो एक हाइंडसाइट में जो आप चीज देखते हैं तो आपको लगता है कि अरे यार आई कुड हैव डन इट लाइक दिस, मतलब ये इसको ऐसे कर सकता था, इसको थोड़ा बेहतर कर सकता था. और आपके साथ राशि? देखिए मैं भी बहुत सेल्फ क्रिटिकल हूँ, लेकिन आई थिंक मोर देन एनीथिंग जब मैं अपने आप को देखती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ अरे मैंने ये कैसे किया. दैट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज इनिशियली आई मीन अब तो काफ़ी साल हो चुके हैं एक्टिंग में, लेकिन इनिशियली तो मुझे लगता था अरे मैं मुझे एक्टिंग आती है, अच्छा हाउ एम आई प्लेइंग दिस अदर कैरेक्टर. समटाइम्स इट हैपेंस कि आई डिस्कनेक्ट फ्रॉम वॉट आई एम प्लेइंग. Okay. Like I'm like अच्छा मैंने ऐसे किया, but as both of them said that I'm also very self-critical because हमेशा ऐसा लगता है अरे ये मैं बेहतर कर सकती थी, अरे मैं खड़ी कैसे हूँ, अरे मेरा पोस्चर कैसा है. A lot of these little things जो हम देखते हैं जो शायद ऑडियंस इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन आई थिंक फॉर अस इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी ताकि हम वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना करें. जी ओके. बट सिर्फ आप 12th टॉपर ही नहीं है नेशनली, आप एक बहुत ही कमाल की सिंगर भी है. आई डोंट नो कितने लोगों को पता है. नहीं, पूरे साउथ इंडिया को तो पता है. पता है, बट ये दिस वाज लाइक न्यू फॉर मी. ओके. बट ये अगले कभी आपका मन नहीं कैसे म्यूजिकल वगैरह का ऐसा मन? देखिए मेरा एक्चुअली मैं आपको बताऊंगी, मेरा बहुत मन था कि मैं हिंदी में भी कुछ गाऊं, लेकिन मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, गाओगे कुछ? बिल्कुल. इनका इनका एक गाना है जो कौन सा था वो जो कल ही आया था, परसों आया. नहीं, मैं एक और नया गा लेती हूं. एक एक वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, दिस इज अजय देवगन सर एंड काजोल मैम का एक गाना है, मैं गाती हूं. तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं, आशिक हूँ मैं तेरे नाम का, दीवाना हूँ मैं दीवाना नहीं. हो सकता है मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे. हिंदी वाला जो आपको बहुत सुनने मिल रहा था सेट पे, ऐसा था जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं बोलते हो? देखो, सेट से ज्यादा मुझे इंटरव्यू में प्रतिक्रिया सुनने को मिल रहा है. हाँ, ये प्रतिक्रिया है. हाँ, प्रतिक्रिया, पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सपेक्टिव. नहीं, ऑल्सो जब भी विक्रांत बात करते हैं ना, तो मेरी मुंडिया से हिल जाती है कि ये कौन सा शब्द यूज किया है. हिंदी बहुत अच्छी है, व्यक्त करने का पूरा अधिकार. फिल्म से जुड़ा सवाल था कि अभी आजकल सोशल मीडिया पे न्यूज को कंज्यूम किया जाता है, मुझे तो पता चल ही जाएगा यहाँ से, इसीलिए जर्नलिज्म में आप कहीं ना कहीं वो एक कॉम्पिटिटर सोशल मीडिया ही है. पर क्या वो ये समझ रहे हैं? पता चली जाएगा. पर क्या जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म जो सीरियस जर्नलिस्ट हैं, क्या वो ये समझ रहे हैं कि उनका कंपटीशन देखिए कहाँ हो रहा है? मतलब एक कोई एथिक्स वैल्यूज, मतलब यहाँ तो लोग बस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उसको न्यूज कहा जा रहा है. गॉसिप हैज बिकम न्यूज. मतलब इतनी बार तो मैंने ये देखा है कि किसी ने अपने पर्सनल प्रोफाइल पे सोशल मीडिया पे कुछ डाला, वो न्यूज बन गई. नो, उन्होंने डाल दिया है वो हमें, हम सबको पता है. अब आप उसको न्यूज बना के बेच रहे हैं, तो जर्नलिज्म को अपना स्तर थोड़ा ऊपर करना चाहिए, उनको Absolutely. थोड़ा उठाना चाहिए अपने आप को कि वो उस लेवल पे ये आप किसी इंटरव्यू में कोई ये सवाल ही ना पूछे कि क्या वो उससे कम्पीट कर रहे हैं. ये दिन ये अगर ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये बहुत बुरी चीज है. इससे ही मेरा फॉलोअप ये भी था कि सिनेमा एक वो मीडियम बन गया जहाँ पे अब आप जो सच जर्नलिज्म के थ्रू नहीं बता पा रहे हो, अब वही सच आप एक सिनेमा के थ्रू बता रहे हो. शायद बिकॉज हमेशा रहा भी है कई बार, मतलब क्योंकि अब यहाँ पे बायसनेस का तो सवाल ही नहीं है ना. अब यहाँ पे तो आप लाइक इफ यू आर पुटिंग इट दैट वे, देन यू आर पुटिंग इट ऑल द ट्रूथ कि आप सिनेमा के थ्रू. पर सिनेमा ने हमेशा सच बहुत सारी फिल्में रही हैं. सच हो या देखिए सच ना भी हो, इतना जरूर है कि सिनेमा जो है बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मीडियम हमेशा से रहा. It is a very, very influential movie. But that's always been the case. Or like पहले भी अगर आप देखें, अगर हॉलीवुड की फिल्में देखें तो 1950s की अगर आप कोई फिल्म उठा के देखेंगे तो उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, उस टाइम पे ह्यूमन स्ट्रगल क्या था, कलेक्टिव इमोशन क्या था, जिसे मूड ऑफ द नेशन कहते हैं,
यू नो, तो वो सारी चीजें हमेशा सिनेमा ने दर्शाई हैं। यहाँ पे भी 70s में मैंने कुछ फिल्में सोशल मीडिया पे ही देखा है, लेकिन 70s की कुछ फिल्में जो मैं देखना चाहूंगी जहाँ बहुत सीरियस डिस्कशन हो रही है, एक फिल्म का नाम है शायद द पार्टी और समथिंग, इट्स अ हिंदी फिल्म, और वो 70s में बनी, आई थिंक इंडिपेंडेंट फिल्म, छोटी फिल्म थी, पर क्या कमाल की कॉन्वर्जेशन हो रही हैं उस फिल्म में। मतलब एक सीन देखा मैंने किसी फिल्म का जिसमें एक डॉक्टर एक महिला से बोल रहे हैं कि आपके बच्चे को यू नो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, 70s की फिल्म है, तो उन्होंने कहा मेंटल हेल्थ वो क्या होता है, तो फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बच्चों को भी ऐसा हो सकता है। मतलब देयर हैव ऑलवेज बीन सच फिल्म्स। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, टेकिंग दिस टू अ लाइटर साइड, थैंक यू, या बिकॉज आई थॉट लाइक दिस इज हाई टाइम नाउ, मुझे भी समझना चाहिए चीज। रिद्धि, आई डोंट नो आप लोगों को ये पता है कि नहीं कि रिद्धि इज लाइक शामक डावर ट्रेंड डांसर, आपको क्या ये पता है, ये भी शामक डावर ट्रेंड है और मैं इनको बहुत सीनियर, ये टीचर रह चुके हैं हम तीनों। क्या मतलब, मैं 2000 कम ऑन 5 6 7 8 तो आप लोग तो सिंक में ही होंगे फिर थ्रू आउट। अगर एक डाल देते ऐसा सॉन्ग तो हम नाच रहे होते साथ में, बट ऐसा है नहीं। ओके, तो फिर मैं आप ये बहुत इंटरेस्टिंग अब मेरे सवाल है दिमाग में, फिर अगर आपको एक गाना फ्रॉम कहीं से भी हो सकता 90s 80s और अभी का कोई गाना, अगर आप अपने आप को देख सके, ऐसा कौन सा गाना है जिसमें आप चाहते कि काश मैं इसमें फीचर हूं। यू नो, दिल तो पागल है, हैज लेफ्ट अस ह्यूज, है ना, दिल तो पागल, इट चेंज्ड द वे वी सॉ सॉन्ग्स एंड डांस। तो तीनों ही है, तो मैं तीनों को मतलब उसमें कास्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर दीजिए, मैंने तो आधा डांस भी कर दिया, साइलेंट डांसेस, व्हाट स्टेप्स, आई थिंक इट चेंज्ड द फेस ऑफ द वे वी सॉ डांसिंग इन बॉलीवुड। तीनों का सेम है, यस, मेरा तो इक्वल का जीना, भले उसके बाद कोई लोग देखे नहीं देखे वो गाने को, बट दिल तो पागल, और वो थी भी शामक डावर की पूरी कोरियोग्राफी, बहुत सारी है। और आपको बतानी होगा शायद अभी 30 साल कंप्लीट किए हैं इसी कुछ कुछ महीनों पहले, कुछ हफ्ते पहले। मेरी हम दिल दे चुके सनम, DDLJ, DDLJ का कुछ कुछ होता है वो भी पता है, मतलब हम सबको ही पता होगा, उसकी साइलेंस का भी बीट पता है। अब तो मतलब इतनी बार देख लिया कि जहां पॉज होगा पता है काजोल इसके 2 बीट बाद कुछ बोलेंगे। आपकी वो आप अपनी फेवरेट फिल्म बताओ। 90s की फेवरेट फिल्म कितनी है, बहुत डिफिकल्ट, एक बता दो जो आपको लगता है कि ये तो कभी भी लगा। मैं हर साल की फेवरेट वाली सिकंदर मैं हमेशा देख सकता हूं। वाओ, ओ वाओ, मैं भी देख सकता हूं। रीमेक होगा तो आई वुड लव टू प्ले संजू, आई वुड लव इट, ही वुड हैव बीन अ गुड संजू, द बेस्ट क्लाइमैक्स, मतलब कोई उससे बेटर क्लाइमैक्स नहीं होगा। व्हाट अ लवली फिल्म, व्हाट अ सिकंदर ही दोस्तों, यहां पूरी कास्ट कहलाता है, कभी बनती है तो गाइस लाइक ये बोल दिया गया ओपन में कि राजेंद्र सारे को बहुत पसंद है, मैं एक्चुअली आमिर खान का बहुत बड़ा फैन। ओके, आप पुलिस वाले हो तुम्हें याद ही होगा जोश कुमार, तो उसमें बच्चा आता है उसको पूछता, वो थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बच्चा है, शाहरुख खान बड़ा होता है, अंकल अंकल हिंदी का बहुत इस्तेमाल हुआ है इस फिल्म के अंदर, बहुत मजेदार डायलॉग्स थे, आपका एंडर वाला भी बहुत अच्छा है। मेरी पोल खुल जाएगी, कोई पोल नहीं खुलती, ये इंग्लिश के बड़े आजकल बड़े जेन ज़ी वर्ड्स हैं, इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, जेन ज़ी के तो वर्ड्स मतलब क्या ही वर्ड्स, वो इतने भी ज्यादा पहले इंग्लिश में किसी ने बोला सस, टू गेज, हां ये जेन ज़ी नहीं है, तो इट्स अ स्लैंग वर्ड, हां ये स्लैंग है वैसे, तो इसे उसमें नहीं डालते हैं। तो पहला वर्ड मुझे आप बताना है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रिज, करिश्मा इज रिज, सो उनकी चमक, चमक, कशिश इज रिज, रिज इज रिधि, रिज इज रिधि, ऑरा, थैंक यू, ऑरा, ऑरा आपका, ऑरा को आपकी, आपका वातावरण, आपके व्यक्तित्व का वातावरण, आई हैव नो आईडिया, व्यक्तित्व की चमक, चमक, मेरा चमक इसमें आ गया, गोस टू विक्रांत सर, ट्रेंडिंग, 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 बोलबाला, 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 देखो सही है, बहुत अच्छा है बोलबाला, बट प्रचलित, प्रचलित, हां प्रचलित, हां ट्रेंडिंग इज साबरमती, प्रचलित, आई, वायरल, वायरल,
राशि खन्ना. अरे यार उसको पता था भी एक ये दे दिया लाइक दिस इज वैसे तेजी से फैला इसका कुछ इतना वरी था क्या था वायरल का हिंदी का क्या होता है तेजी से फैलना था उसका हिंदी बट राशि वायरल इज राशि पूकी पूकी इज क्यूट चलती हुई चित्र बिकॉज इट्स मूविंग. ओके सो दिस वाज वन गेम. सेकंड गेम मैं अपने शो प्रोफेसर बॉलीवुड खेलते हैं बबलू और बबली बहुत मजा आ रहा है. वाह क्या बात है. बबलू तो मैं वैसे ही हूं बबलू और क्या करती है. मैं चलचित्र में पहले मैं आपको फिल्म के तीन क्लूज दूंगा. आपको गेस करना है कि फिल्म कौन सी. ये जीतेगी वो ये जीतेगी. हां बट ये प्रेशर आ गया. टॉपर वाला टैक्टिक मैं तो बिल्कुल ये जो किया राशि टॉपर वाला टैक्टिक यू आर राइट. नहीं ऐसा नहीं. तीन क्लू दूंगा मैं आपको फिल्म के बिल्कुल और मैं हीरो को बोलूंगा बबलू और हीरोइन को बोलूंगा बबली. और हमें क्या करना है. आपको गेस करना है कौन सी फिल्म है. अच्छा बबलू बोलूंगा तो समझ आना हीरो की बात. फर्स्ट फिल्म इस मूवी में बबलू एक जर्नलिस्ट होता है और बबली गांव की भोली भाली लड़की होती है. ओके सेकंड क्लू बबलू को उसकी लाइफ का सबसे बड़ा इंटरव्यू मिल जाता है. पुकार नायक नायक. आई वाज कंफ्यूज्ड बिटवीन बोथ टू द हां नायक नायक. ठीक है तीन क्लू सुनने के बाद बता रहा कि बट मेरा तीन क्लू था बबलू बबली को पहले बुलाता है. हां वो मैंने मूवी नहीं देखी कट. आई लव द फिल्म. सेकंड फिल्म क्लू 1 बबलू बहुत भोला और गरीब होता है. बट प्लॉट ट्विस्ट ये कि वो एक बड़े बंगले में रहता है शहजादा. सेकंड क्लू बबली अमीर होती है और बच्चों से परेशान रहती है. जो मिस्टर इंडिया. यस मिस्टर इंडिया. मेरे को एक सवाल है वृद्धि के लिए. तूने नायक नहीं देखी तूने जवाब नहीं दिया. क्योंकि मुझे प्रेमाइस पता है कि वो इंटरव्यू लेना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर का. फैबुलस. बहुत सारे इंटरव्यूज में बॉलीवुड को जीत चुकी हूँ. हर तरह के टॉपर्स हैं यहाँ पे. मैं बॉलीवुड क्विज की टॉपर. जान कह रहा मैं 12 फेल की थी मैंने. वो 12 पे वो बॉक्स ऑफिस के टॉपर है. वाओ. थर्ड फिल्म लास्ट फिल्म इस मूवी में दो बबलू होते हैं और दोनों फोटोग्राफर होते हैं. जल्दी बोलता हूँ नहीं तो गैस कर लेगी. सेकंड क्लू मैं मेन बबलू जो होता है वो जॉब छोड़कर एक बड़े बंगलों का केयरटेकर बन जाता है. थर्ड क्लू और यही बबलू के पास उसकी दादी की दी गई एक अंगूठी होती है मसाला जिसे वो हर लड़की को दिखाता है. जिसे गरम मसाला. ये yes. मुझे पता ही नहीं है. अरे वाह ये मसाला वाह ये मुझे मूवी आई हैव नो आइडिया. सो दैट वाज इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. यस एब्सोल्युटली यू वन ऑफ कोर्स नो ब्रेनर. थैंक यू सो मच.